न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। किशोर की गला रेत कर हत्या, खेत में मिला शव। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा दो लोगों को लिया गया हिरासत में, निजी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद की संभावना। अंतरिम केंद्रीय आम बजट में भारतीय रेल के लिए खुला खजाना, यात्री सुविधाओं पर दिया गया विशेष बल। पुराने और नए कार्यों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे के लिए मिली भारी धनराशि। केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया अंतरिम आम बजट, विभिन्न राजनीतिक दलों और विशेषज्ञों ने दी अपनी अपनी प्रतिक्रिया। 3 फरवरी को आयकर कार्यालय परिसर में अत्याधुनिक नवीन आयकर भवन के निर्माण का भूमि पूजन एवं शिलान्यास करेंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के अनुपूरक बजट का किया स्वागत, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई, आतिशबाजी कर ढोल नगाड़े की धुन पर केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की पहल, प्रयागराज कुंभ मेले में जाने वाले यात्रियों के लिए शुरू किया निःशुल्क चाय और बिस्कुट स्टॉल, पिपराइच विधायक ने फीता काट कर किया शुभारंभ। 13 पॉइंट रोस्टर का छात्रों ने विश्वविद्यालय गेट पर काली पट्टी बांध कर किया विरोध। केंद्र के अंतरिम आम बजट आने पर भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ ने व्यापारियों के संघ की आतिशबाजी कर मनाई खुशी, सरकार को दिया धन्यवाद। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने सप्त दिवसीय शिविर के अंतर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं और मुख मार्गों को साफ कर चलाया जागरूकता अभियान। और स्वच्छ भारत अटल बिहारी वाजपेयी खेल महोत्सव के अंतर्गत फुटबॉल एकेडमी सेंट एंड्रयूज ने कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज पिपराइच को 3-0 से हराकर फुटबॉल के सेमीफाइनल में जगह किया पक्का।